अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तूने मुझे ये खुशी दिखाई, ये कामयाबी दिखाई, उसका दिल भी और उसका सर भी झुक जाता है अल्लाह के आगे। और कोई गम आता है, कोई परेशानी आती, कहता है अल्लाह तूने ही इसको दूर करना, या अल्लाह तेरी तरफ ही मैं देखता हूँ, या अल्लाह मेरे ही कोई गुनाह होंगे जिसकी वजह से हुआ। वो ये नहीं कहता मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो कहता है अल्लाह मेरे ही कोई गुनाह होंगे, तू किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, या अल्लाह मेरे गुनाह है तो अल्लाह ताला तू मुझे माफ कर दे, और मेरी आजमाइश है तो तू मुझे ईमान के साथ इसमें से निकाल दे। तो ऐसा होता है मोमिन का रवैया। जबकि जो दूसरा होता है वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर डिप्रेशन में फिर वो ऐसे कलिमात मुंह से बोल देता है जो कि अल्लाह माफ करे कुफर के होते हैं या बेअदबी के होते हैं, जो नहीं मुंह से निकालने चाहिए। हमारा ही घर देख रहा था, अल्लाह ने हमारे पर ही मुसीबतें डालनी थी, ऐसे उसको हमने क्या करना, फिर हमें क्या फायदा, हम तो नमाज पढ़ते थे, हम तो ये करते थे, और हमारे ऊपर ही अल्लाह ने भेजना था। इस तरह की बातें। एक तो मेरा घर ही देख लिया मुसीबतों के लिए, कोई और नहीं अल्लाह को मिला था। इतनी बुरी बुरी बातें मुंह से निकालना। तो मोमिन क्या करता है, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिये ये रवैयों से ही इंसान के ईमान का पता चलता है। ईमान इस तरह नहीं हमारा चेक हो जाना किसी थर्मामीटर से, ये है जो हमारा थर्मामीटर है, ये हमारा डिवाइस है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ईमान कितना है। और ये मौके जिन पे इंसान बिल्कुल खुल के सामने आ जाता है। किसी को देखना हो तो उसके गम के मौके में उसको देख लो, या खुशी के मौके पर देख लो, आपको पता चल जाएगा ईमान का क्या हाल। क्योंकि किसी को क्या हम अपने आप को कहें, हम खुशी के मौके पर कैसे होते हैं, और हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो हम कैसे होते। हर मुसीबत गुनाहों का नतीजा नहीं होती, और हर मुसीबत इम्तिहान भी नहीं होती। कोई मुसीबत हमारे गुनाहों की वजह से भी आ सकती है, कोई मुसीबत इम्तिहान भी हो सकती है। किसी ने कहा मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है ये मेरे गुनाहों का नतीजा ना हो, बल्कि मेरी सजा ना हो, बल्कि मेरा इम्तिहान हो। इम्तिहान भी ना मांगे अल्लाह से, कहे अल्लाह मैं इम्तिहानों के भी काबिल नहीं। इम्तिहान में भी खरा खोटा अलग अलग हो जाता है। हम तो हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, खोटे ही खोटे हैं हम तो। अगर ये इम्तिहान आ गए हमारे ऊपर तो हमारा तो सारा कच्चा चट्टा खुल के सामने आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे होते हैं, ईमान वाले, अच्छे हाल में भी वो अल्लाह ताला को की तरफ रुजू करते हैं, उसको याद रखते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके आगे बिछ बिछ जाते हैं। अल्लाह तेरा एहसान, अल्लाह तेरा करम, अल्लाह तेरा फजल। ए अल्लाह, हम देखें इंसानों को किस तरह का प्रोटोकॉल देते कि हमारे साथ कोई बड़ा हमें, जिसका हमारे दिल में रोब होता है, या जिसको हम बड़ी या किसी से हमने कोई काम बनाना है या किसी ने हमारा बना दिया, हम तो रेड कार्पेट बिछाते हैं, हम तो आगे कैसे बिछते हैं, हम तो ताबेदार जी, हम आपके खिदमत गुजार जी, हम आपके ये, आप हुक्म कीजिए, आप ये, कितने हमें डायलॉग आते हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर एहसानात करता है, हमें ये बात नहीं याद रहती कि हमने बिछना कैसे, तो हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं शुक्र कैसे करना, हमें पता नहीं हमने बोलना क्या। अपनी आजी दिखाए उस वक्त अल्लाह ताला को, और बुरा हाल भी आए तो कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्यों हमारे साथ तूने ऐसा किया, तू ऐसे हो गया, मैंने क्या ऐसा कर दिया था, नहीं। तब भी झुके रहें और कहें अल्लाह ताला तू ही मुझे इससे से निकाल, या अल्लाह मेरा बस नहीं, या रब्बुल आलमीन तू है कुदरतों का मालिक, या अल्लाह मैं तेरे फैसले पे राजी, या अल्लाह मैं कोई गिला शिकवा नहीं करती। और अपनी कमजोरी का इजहार करें कि अल्लाह मेरे अंदर सकत नहीं है सहने की, अल्लाह मेरे ऊपर ऐसा बोझ ना डाल, मुझे नहीं उठाया जाएगा। और किसी ने बताया, वो कहते हैं कि कोई थे जो कि बहुत ज्यादा यानी मुस्तजाबुद दावात थे, उनकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। तो उनका तरीका कहते हैं वो दुआ करते थे ना, जैसे ही दुआ करते थे वैसे ही कबूल हो जाता। कहते उनका तरीका ये था कि वो डायरेक्ट दुआ नहीं करते थे, पहले वो बहुत देर तक अल्लाह ताला की तौहीद के, उसकी तारीफ के कलिमात कहते रहते थे। वो सारी आयतें जो तौहीद पे मबनी और जो उसकी तारीफ के कलिमात हैं वो कह के एंड में आके फिर अपनी दुआ को करते थे। अल्लाह तू ऐसा, अल्लाह तू ऐसा, अल्लाह तेरी शान ऐसी, अल्लाह तेरी बड़ाई ऐसी, और फिर अपनी कमजोरी का इजहार करके फिर उसके बाद फिर बोलना ऐसा नहीं बस अल्लाह मुझे ये दे दे, हमें तो बात भी नहीं करनी आती है। तो लेकिन मायूस नहीं होना, मायूसी किस बात की? मायूस बंदा तो फिर समझ ले हिम्मत हार गया, उसने अल्लाह ताला से पे भी गिव अप कर दिया कि अल्लाह भी नहीं आप कुछ कर सकता ना, वो बिल्ला वो ये समझता है। तो ये हमारा दीन हमें मायूसी से और नाउमीदी से निकालता है, कहता है ये कुफर है, नहीं आप कर सकते मायूसी। और देखिए अगर एक मुसलमान ने कुरान पढ़ा हो और उसमें वाकई उसके दिल के अंदर कुरान हो और इसके ऊपर अमल करने वाला हो, कभी वो मायूस होगा? कभी वो डिप्रेशन के अंदर जाकर खुदकुशियां करेगा? ये हमें होप देता है, ये अल्लाह का कलाम हमें डिप्रेशन से निकालता है कि डिप्रेस होने की क्या बात है। क्या तुम्हें अल्लाह की रहमत पे यकीन नहीं? तुम्हें पता भी है अल्लाह की रहमत कितनी, और तुम्हें पता भी है अल्लाह ताला कितनी कुव्वतों का मालिक है, तुम्हें पता ही है कि अल्लाह ताला की कुदरत कहां कहां तक है, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर है वो तो फिर मायूसी किस बात? अच्छा बोलते भी हैं ये, लेकिन फिर भी इस बात की समझ ही नहीं। तो अपने रवैयों को दुरुस्त करना है। ये रवैये बताते हैं, ये टेस्टिंग टाइम होता है हमारा, खुशी का वक्त और मुश्किल का वक्त, ये हमारे टेस्ट हैं। याद रखिए खुशी के वक्त भी टेस्ट हो रहा है, कभी ये ना समझे मुसीबत के वक्त ही टेस्ट है। जब खुशियां नेमते हैं, आफियत है, टेस्ट हो रहा है, ये जहन से ना निकले। और क्या हमने करना है? ये हमें जो यहां पे बताया गया है इस तरह के नहीं अपनाने। क्या उनको पता नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है, इल्म के मानों में है ना, यानी कि उनको पता नहीं है इस बात का, वो जानते नहीं कि अल्लाह ताला जिसका चाहे रिस्क कुशादा करे, जिसको चाहे एक मकदार से दे। पहले भी ये बात आई, रिस्क से मतलब ये क्या? जितनी भी नियमतें वो अल्लाह का रिस्क है, सब रिस्क है, चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो मालो दौलत है, चाहे वो हमारे पास इल्म है, चाहे हमारे पास सेहत है, चाहे हमारे पास कोई भी और नेमत है, सब रिस्क है। जिसका चाहे कुशादा कर दे, जिसका चाहे एक जच्चा चूल्हा नपा तुला दे। लेकिन याद एक बात रखने की ये है कि रिस्क की कुशादगी अल्लाह ताला की उसके साथ रजामंदी की निशानी नहीं है, और रिस्क का तंग होना अल्लाह ताला की नाराजगी की निशानी नहीं है। अल्लाह ताला जिनसे राजी होता है कुशादा भी दे सकता है, जिनसे नाराज है उनको भी कमी और कुशादगी दे सकता है। ये अल्लाह ताला को खुद पता है, उसकी हिकमत है किसको क्या देना। लेकिन ये ना कभी कोई समझे कि मेरे पास बहुत है तो मेरे से अल्लाह खुशी है, तो इतने हम आराम कर रहे हैं, इतने मजे में बैठे हैं तो खुश होगा ही, तो दिया हुआ ना। नहीं, ये क्राइटेरिया है ही नहीं, वरना कभी अल्लाह ताला फिरौन को इतना कुछ ना देता और कभी अपने नबी को फाकों तक ना पहुंचाता, अगर यही अल्लाह की रजा की निशानी थी। याद रखिएगा, इससे कभी धोखा ना खाइएगा। ये मेरे पास बहुत है तो बस बहुत सब ठीक ही है, अब मुझे वहां पे भी जाके तो मिलना ही है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारा रिस्क रोक दे तो वो कौन है जो तुम्हें रिस्क देने वाला है? मुल्क में हम पढ़ते हैं बेशक इसमें निशानियां उस कौम के लिए ईमान रखती है। वाकई ईमान के साथ ही है ना बात, जो ईमान रखता होगा उसी को ये बात समझ आएगी रिस्क अल्लाह के हाथ में, वो जिसका चाहे कुछ अदा करे। ना कोई कंपनी रिस्क दे सकती, ना कोई मुल्क रिस्क दे सकता, ना कोई लोगों के हाथ में रिस्क, ना किसी कब्र वाले के हाथ में रिस्क। ईमान वाले को ये बात समझ आती है। तो दो हक, हक कहा गया, हक खैरात नहीं है ये, हक क्या उनका, रिश्तेदारों को भी दो, मिस्कीन को भी और मुसाफिर को भी। जो मोमिन होता है ना वो अपने माल पे सिर्फ अपना हक नहीं समझता कि सिर्फ बस मेरा ही हक है, मैंने कमाया मेरी मर्जी, नहीं, वो कहता है अल्लाह का, इसमें औरों का भी हक है। वो औरों के हक को तस्लीम करता है, मानता है। किस किस का हक है? कराबतदारों का। अब गरीब हो तो तभी हक है, या फिर अमीर भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर हो तो तब भी आप उनको सदका खैरात नहीं दे रहे, लेकिन तोहफों की शक्ल में देते हैं, उनके ऊपर खर्च करते हैं। दो, अब दो के अंदर अब आप, आपका माल भी है, आपके पास और भी कोई ऐसे चीजें रिसोर्सेस हैं, आप इनके ऊपर खर्च करें और मिस्कीन को दें। मिस्कीन वो जो हैंड टू माउथ रहता है, फकीर नहीं है, वो मांग नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि बेचारा कैसे गुजारा करता होगा। वो किसी की डोर्स पे जाके नॉक नहीं करता, आपको तंग नहीं कर देता मांग मांग के। खुद को समझ आती है कि सफेद पोश है ये। अब ना सबील और मुसाफिर को, और मुसाफिर में मेहमान भी मुसाफिर ही है। हम सोचते हैं आजकल बहुत आरामदेह सफर हो गए हैं तो आज के मुसाफिर तो वो मुसाफिर नहीं, नहीं नहीं, आज का भी मुसाफिर मुसाफिर ही है। मुसाफिर के लिए अगर कोई पीछे रह के उसकी हेल्प करता है, कोई ज़ईफ है मुसाफिर, कोई औरत है जो बच्चों के साथ है, अकेली है, उसके साथ हेल्प कर देना। बस दफा किसी को पैसों की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी कोई हेल्प चाहिए होती है। किसी का बैग उठाना है, किसी का बैग ऊपर रखना है, मुसाफिर है वो चाहे कितना भी अमीर हो सकता है इस वक्त उसको आपकी किसी और तरह की जरूरत हो, पैसों की जरूरत नहीं है, किसी फिजिकल हेल्प की जरूरत है। तो इनको भी हेल्प करना, इनको देना, ये मोमिन समझता है ये इनका हक है मेरे ऊपर, ये कोई एहसान नहीं कर रहा मैं। जब आप किसी को देते हैं ना कि ये इसका हक है, तो फिर ऐसा वाला मामला खत्म हो जाता। जब आप हक नहीं समझते तो अब आप उसको दे रहे हैं ना, तो फिर आप कहेंगे मेरा एहसान है इसके ऊपर। फिर आपके जहन के अंदर, दिमाग में ये होता है कि मैंने इनके ऊपर इतना एहसान किया, लेकिन यहाँ पे एहसान नहीं है, क्योंकि उसका हक आप दे रहे हैं, ये उसी का हक था, आपने बस उसको दिया है, ये उसी का था। और ये किसने उसका हक बनाया? अल्लाह ताला ने। तो ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह, ये उनके लिए है जो अल्लाह के चेहरे को चाहते हैं, अल्लाह का दीदार चाहते हैं ना, या अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहते हैं ना, तो उनके लिए है ये कि वो हक समझ के देते हैं दूसरे का। याद रखिए, हम देते भी हैं, बहुत कुछ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी का हक नहीं समझते इसके ऊपर। हम देते हैं तो अल्लाह की रजा पाने के लिए नहीं देते, किसी लिए देते हैं, उनके लिए। हम इनको दे रहे हैं इनके लिए, इसी वजह से बाद में जब हमें उनकी तरफ से अच्छा सलूक नहीं मिलता, या शुक्रिया नहीं मिलता, या हमें उनकी तरफ से इन रिटर्न कोई और तोहफा नहीं मिलता, तो हम बहुत अजियत में रहते हैं, बहुत हमें दुख होता है। जाहिर है दुख क्यों ना होगा, जब उनकी खातिर करेंगे तो उनसे हम अब रिटर्न चाहते हैं और उन्होंने दिया नहीं। लेकिन जो अल्लाह की खातिर करता है फिर उसको परवाह नहीं होती कि इन्होंने शुक्रिया किया या नहीं किया, इन्होंने मुझे इन रिटर्न कुछ दिया कि नहीं दिया, इन्होंने इसके बाद इस मेरे एहसान को माना कि नहीं माना, फिर उसको फील होता। इसलिए कि वो देख ही नहीं रहा उनकी तरफ, वो तो अल्लाह की तरफ देख रहा है ना। जिसने मिस्कीन को सामने रख के दिया होगा ना, वो कहेगा इसके बाद ये भी हमारे घर का आके थोड़ा सा काम कर दे, जब मैं इसको फोन करूं तो ये भी आके जरा हेल्प करें, क्योंकि मैंने इसकी इस वक्त की थी, और ये मेरे साथ अदब से पेश आए और मेरे साथ बहुत मेरी ताजीम करें और जब मैं इनके घर जाऊं तो मेरे आगे पीछे फिरें, क्योंकि मैंने इनके साथ एहसान किया हुआ ना, मैंने इनको ये घर बना दिया, या मैंने इनको ये चीज लेके दी, या मैंने इनके बच्चे की नौकरी लगवाई, या मैंने फलां वक्त में इनकी बच्ची की शादी में हेल्प की। तो अब ये भी इनको चाहिए कि ये मेरे आगे पीछे हों और मेरी बहुत इज्जत करें और मेरे आगे झुक झुक जाएं। ये उसका रवैया है जो अल्लाह की खातिर नहीं दे रहा। यहाँ पे उन लोगों की बात की गई है जो युरीदूना वजह अल्लाह, अल्लाह का चेहरा चाहते हैं, फिर वो बेपरवाह हो जाते हैं, फिर उनको नहीं परवाह रहती कौन क्या करता है, कौन क्या मेरे साथ नहीं करता। तो इनके लिए तो किया ही नहीं। और ये लोग हैं फिर अल्लाह ताला उनको अपने चेहरे का दीदार कराएगा। इसलिए फरमाया कि खैरुम लिल्लज़ीना युरीदूना वजह अल्लाह, ये उनके लिए बेहतर है, ये काम उनके लिए है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं कि वो देते हैं, उनका हक समझ के उनको देते हैं। तो अगर अल्लाह का दीदार चाहते हैं, उसकी खुशनुदी चाहते हैं, तो ये काम करना पड़े। रिश्तेदार हमें चाहे कितने ही कड़वे लगते हैं, उनको देना होगा। रिश्तेदारों में भी सबसे पहला हक तो अपने ही बीवी बच्चों का होता है एक आदमी के ऊपर। ये भी सदका होता है, ये भी सदका है जिसको कहा गया कि जो 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 लुकमा आदमी अपनी बीवी के मुंह में डालता है वो भी सदका है, जो अपने बच्चों पे खर्च करता है वो भी सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और लोगों को खुतबा दिया। फरमाया देने वाला हाथ ऊपर है, अपने अयाल से इब्तदा करो, अपने घर वालों से, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई, फिर जो भी तुम्हारे ज्यादा करीब हो और जो भी तुम्हारे ज्यादा करीब हो, यानी करीबी से शुरू करो। फरमाया सदका करो। एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास एक दीनार है। आपने फरमाया उसको अपने आप पे खर्च करो। उसने कहा मेरे पास एक और भी है। आपने फरमाया अपनी बीवी पे खर्च करो। उसने कहा एक और भी है। आपने फरमाया फिर अपनी औलाद पे खर्च करो। उसने कहा एक और भी है। आपने फरमाया अपने खादिम पे खर्च करो। उसने कहा एक और भी। आपने फरमाया फिर तुम खुद बेहतर जानते हो कि तुम किस पे खर्च करोगे। इसके बाद इससे आपको ये पता चलता है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए खर्च करने। बाज दफा लोग बाहर वालों के ऊपर खर्च करते थे, बीवी बच्चे घर के अंदर, ना बच्चों की फीसें देने को है, ना खाने को घर के अंदर है, ना कोई उनके खर्चे पानी का कुछ भी ख्याल नहीं, इधर उधर स्पेंड कर रहे हैं। तो ये कोई नेकी नहीं। सबसे पहले घर से स्टार्ट करें। दिल कुर्बा, करीबी, और करीबी में भी जो रिश्तेदार सबसे करीब है। अपने घर में लोग बैठे ना, उधर जाके दे रहे हैं किसको, किसी और को, और किसी और रिश्तेदार को दूर पार के। बाज बहन भाइयों पर खर्च कर रहे हैं, घर में बीवी बच्चे भूखे, उनकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए इसमें भी देखना है कि किस तरह से आप चलेंगे। पहले करीबियों का हक है, उसके बाद उससे दूर वाले का, फिर उससे दूर वाले का। और फिर ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तुम में से किसी को खैर अता फरमाए तो वो अपने आप से शुरू करे और अपने घर वालों से इब्तदा करे। तो घर वालों से शुरू करके, लेकिन घर वालों में ये अब नहीं कहा गया कि आप घर में इतने एक्स्ट्रावेगेंट हो जाए, इतना इसराफ करें, क्योंकि घर वालों की कभी डिमांड्स तो पूरी ही नहीं होती, उनके तो कभी भी खर्चे पूरे ही नहीं होंगे। तो अब किसी के और के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो फजूल खर्चियां इतनी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले घर वालों की जरूरियात को पूरी करें और फिर मिस्कीन भी और इब्ने सबील भी, और भी इसमें मेहमान भी आ जाता है ना, मेहमान भी आपको उसके ऊपर भी खर्च करने का आ जा रहा है। तो ये सब कुछ अल्लाह के चेहरे के लिए। फिर इसलिए नहीं कि ये मेहमान आया तो आज हम इसके ऊपर करेंगे खर्च, कल को जब हम इनके घर जाएंगे तो फिर ये भी हमें खिलाएं। और उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग हैं जो कामयाब लोग हैं। दुनिया में कामयाब लोगों के ऊपर बड़ी किताबें भी लिखी जाती हैं और बताया जाता है कामयाबी के राज, की टू सक्सेस। और ये जो अल्लाह ताला की बता रहा है टू सक्सेस, वो तो ये है जो आपको कामयाब लोगों में शामिल करते। देना, हम सोचते हैं घूटना को सूट के और बिलियनियर मिलियनियर बन जाना ये कामयाबी है। अल्लाह ताला फरमाता है देना कामयाबी है। दो इनको, लेकिन अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।